भगवान ने इस सुंदर संसार को रचा। इस सुंदर संसार में न जाने रोज कितने लोग आते हैं और कितने जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहता। जिसने इस संसार में जन्म लिया उसे एक ना एक दिन जाना है, क्योंकि ये सच्चाई है कि ये दुनिया एक सराय के समान है, जहाँ पर लोग रोज आते भी हैं और रोज जाते भी हैं। इसलिए कभी भी किसी भी बात का घमंड मत कीजिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं रहना, एक ना एक दिन सबको चले जाना है। बस रहता है तो बाद में एक नाम रहता है। एक बार राजा सुद्धोधन राज्य का भ्रमण करने के लिए अपने महल से निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो कि एक पौधा लगा रहा था। उसे देखकर राजा वहीं रुक गए और वृद्ध के पास जाकर उससे पूछने लगे, आप यह पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको इससे फल मिल पाएगा? तो वृद्ध ने जवाब दिया, नहीं महाराज, यह पौधा बड़ा होकर फल देगा तो मुझे इसके फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक यह बड़ा होगा और फल देना शुरू करेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे स्वादिष्ट फलों का स्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हम अपने पूर्वज के लगाए फलों का आनंद ले रहे हैं और इसके बदले हम उनको धन्यवाद भी करते हैं, ठीक वैसे ही मेरे द्वारा लगाया हुआ यह छोटा सा पौधा बड़ा होकर जब फल देता रहेगा इससे मेरा नाम भी चलता रहेगा, यानी कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे। वैसे भी कहते हैं ना, मानव ना कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ साथ लेकर जाता है। अगर इस दुनिया में कुछ बाकी रह जाता है तो वह है सिर्फ अच्छे कर्म। इसलिए मैं स्नेह के साथ इस पौधे को लगा रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद भी मुझे इससे याद करें। वृद्ध व्यक्ति के इतने ऊंचे विचार सुनकर राजा सुद्धोधन काफी प्रसन्न हुए और बोले, बाबा आपकी यह बात हम सभी के लिए एक संदेश है, अब हम आपकी तरह ही करेंगे। फिर राजा सुद्धोधन उस वृद्ध को धन्यवाद देकर चले गए। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही आपके लिए और आपके भविष्य के लिए आपकी आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुधार देंगे। जीवन में कोशिश कीजिए, चाहे अनजाने में भी कोई गलत कार्य ना हो, अपनी बुद्धि सही और गलत को परख, क्योंकि इस जीवन में और आगे के जीवन में आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका नाम लिया जाता है, अन्यथा कोई भी यहाँ पर आपको याद नहीं करता। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे के लिए आपको याद करेंगे, लेकिन बुरे कर्म करने वाले को यहाँ सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता।